हेलो टीचर, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे नए सेशन में। ये हाउ टू टीच सीरीज का सेकंड सेशन है और इसमें हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कैसे हमें क्लास में पढ़ाना है। एक डेमो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे और प्रिंसिपल्स को ही अब डिस्कस करते हुए उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो जानेंगे। तो आज मैं जो डेमो करूँगा वो कंप्यूटर मस्ती बुक से चैप्टर 1 का डेमो करूँगा। कंप्यूटर मस्ती मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज जो बुक में चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी स्टोरी में डिवाइड किए गए हैं, तो मुझे स्टोरी नहीं बनानी पड़ेगी। स्टोरी मेरे पास बनी बनाई है, मुझे बस उसको इम्प्लीमेंट करना है आपके लिए। तो कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ा रहे हैं तो जब उसको आप स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं तो वो बेस्ट होता है बच्चों के लिए। बच्चे उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, राइट? एज वी डिस्कस अर्लियर, आज मैं कुछ रिसोर्सेज भी यूज करूंगा। मेरी कहानी में जो पात्र हैं, तेजस, ज्योति, मोज एंड ये बॉल, इनको मैं यूज करूंगा बिकॉज मेरे पास पपेट्स नहीं है अभी और मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको यूज करते हुए मैंने ये खुद रिसोर्सेज तैयार किए हैं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं पहला चैप्टर निकालता हूँ। लेकिन पहला चैप्टर निकालने से पहले, बिकॉज ये पहली क्लास है, बच्चे पहली बार कंप्यूटर क्लास में आएंगे, तो आई थिंक बुक खोलने से पहले थोड़ा सा उनका क्या बोलते हैं अब ध्यान अपनी तरफ हमने लेके आना है, राइट? उन्हें थोड़ा क्यूरियस बनाना है कि वो सीखना चाहते हैं इस क्लास में। तो जैसे बच्चे पहली बार आए, आप पहली बार बच्चों से मिले, हेलो किड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, दिस इज कंप्यूटर क्लास, आप पहली बार कंप्यूटर लैब में आ रहे हो, कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, कंप्यूटर कौन कौन सीखना चाहता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे, आप करना चाहते हो? Yes, everyone wants to do it. Very well, perfect. तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी बुक का पहला पेज खोलिए, राइट? ओके, वेरी वेल। तो मैं अब बुक का पेज भी अपने साथ खोल देता हूँ। मैं बुक का पेज कंप्यूटर पे ही खोलूंगा। मैं अपने सामने बुक नहीं रखूंगा। आइडियली जब आप क्लासरूम में होंगे तो बुक आपके सामने होगी और बच्चों के पास ही होगी, राइट? तो हेयर द बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आप मुझे भी देख पा रहे हैं और इस बुक को भी देख पा रहे हैं, राइट? तो परफेक्ट। अब मैं बच्चों से पूछूंगा, ओके बच्चों, ये जो पहले पेज पे आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर लिखा है वन डे और इसमें एक कहानी है। अच्छा, कहानी है किस किस को सुननी अच्छी लगती है? वाह, कुछ लगती है कहानियां सुननी, वेरी गुड। अच्छा, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा अभी, पहले आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या हो रहा है। देखो इसमें फोटोज बनी हुई ना बहुत सारी, इन फोटोज को देख के आप सोचो कि कहानी में क्या हो रहा है, राइट? ओके ठीक है, आप 1 मिनट ले लो। बच्चों को 1 मिनट दिया। बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए, सर एक चूहा है वो बॉल के साथ खेल रहा है। दो बच्चे उसको देख के ऐसे चौंक गए कि चूहा कैसे बच्चे के साथ खेल सकता है। कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज बच्चों के आए। देन ओके, वेरी वेल, आप सबने बहुत अच्छे जवाब दिए। नाउ मैं स्टोरी सुनाऊंगी या मैं स्टोरी सुनाऊंगा। सॉरी, मेरे जो टीचर्स हैं वो ज्यादातर हिंदी में बात करते हैं और लेडीज टीचर हैं तो मेरे को ऐसे बोलने की आदत है जब मैं उनको ट्रेन करता हूँ, राइट? तो नाउ आई एम गोइंग टू नरेट द स्टोरी। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और हम स्टोरी को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी, तो आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, राइट? पढ़ेंगे ना आप सब, वेरी गुड। तो चलो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले, व्हेन तेजस एंड ज्योति वर प्लेइंग इन देयर ग्राउंड, देयर बॉल रोल्ड इनटू द कंप्यूटर रूम। जब ज्योति और तेजस ग्राउंड में खेल रहे थे तो उनकी बॉल घूम 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 के रोल होके कंप्यूटर रूम में पहुंच गई। जैसे आप कंप्यूटर रूम में आए हैं इसी तरह से उनकी बॉल भी इधर आ गई। अब तेजस एंड ज्योति यूजुअली स्टेड बैक आफ्टर स्कूल वाइल वेटिंग टू गो होम। तेजस और ज्योति जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो इंतजार करते थे कि हम थोड़ी देर बाद घर जाएंगे। जैसे आपकी छुट्टी जल्दी हो जाती है ना, आप फर्स्ट क्लास में, आपकी छुट्टी 1 घंटा पहले हो जाती है, तो आप भी इंतजार करते हो कि बेल बजेगी फिर हम घर जाएंगे अपने बड़े भाई बहनों के साथ। सेम तेजस एंड ज्योति भी ऐसे इंतजार करते थे। दे एंजॉय दिस टाइम
एज दे हैड द एंटायर स्कूल टू देमसेल्व्स, पूरा स्कूल उनका, जो मर्जी करो। द स्कूल अलाउड चिल्ड्रन टू यूज द लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड एंड अदर फैसिलिटीज ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम। तो जब बच्चे फ्री होते थे तो स्कूल ने उनको अलाउ किया हुआ था कि लाइब्रेरी में जाओ, खेल कूद करो प्ले ग्राउंड में, या कुछ भी स्कूल में करना है करते रहो, आपको कोई मना नहीं है कुछ भी करने का। कितना अच्छा स्कूल था ना, राइट? आपका स्कूल भी ऐसे ही करता है, आप घूमते रहते हो यहाँ पे, कुछ भी करते हो, राइट? राइट, ओके। तो सो फार तेजस एंड ज्योति हैड नॉट बीन इन साइड द कंप्यूटर रूम। वो अभी तक कंप्यूटर रूम के अंदर कभी नहीं गए थे, जैसे आप भी पहली बार आए हो। टूडे दे मीटली वेंट इन टू सर्च फॉर देयर बॉल। आज वो चुपचाप अपनी बॉल को ढूंढने के लिए कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ गए। टू देयर सरप्राइज दे सॉ अ बिग माउस होल्डिंग देयर बॉल। उन्हें तो एकदम झटका लग गया, सरप्राइज हो गए वो। जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक माउस था जो उनकी बॉल को हाथ में लेके ऐसे बैठा हुआ था। ये देखिए आप फोटो में भी वही देख रहे हैं ना। तो द माउस वॉज वेयरिंग ग्लासेस। देखो जैसे ये मैंने में रखे ना, माउस वॉज वेयरिंग ग्लासेस, कनेक्ट पहन रखी थी उसने। वाई विच वॉज स्लाइडिंग डाउन देयर नोज, राइट? उसकी नोज के नीचे स्लाइड हो रहा था वो। इट वॉज अ फनी साइट, बहुत ही मजेदार सी देखने की चीज थी। तेजस एंड ज्योति बिकेम क्यूरियस। तेजस एंड ज्योति एकदम ऐसे हैरान हो गए। दे स्ट्रेच देयर हैंड टू टेक द बॉल, मतलब हमारी बॉल दे दो। उन्होंने हाथ से स्ट्रेच किया। द माउस मूव बैक प्लेफुली एंड वॉज नॉट फ्राइटन एट ऑल, डरा नहीं बिल्कुल भी, बस ऐसे पीछे हो गया। तेजस एंड ज्योति वर डिस्ट्रैक्टेड बाय द कलरफुल स्क्रीन्स इन द रूम। अब तेजस और ज्योति अंदर तो आ गए, उन्होंने देखा अरे कंप्यूटर पे तो कलरफुल स्क्रीन है, बड़ा कुछ चल रहा है, तो वो भूल ही गए कि उनके पास बुक थी, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। दे वेंट नियर वन ऑफ द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के पास गए वो ऐसे। दे हर्ड अ वॉइस अटॉप द कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर के पास से ऊपर से आवाज आई। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर सीखना चाहते हो? द चिल्ड्रन लुक्ड अप एंड सॉ इट वॉज अ माउस। बच्चों ने ऊपर देखा, देखा वो तो चूहा था। दे वर सो एक्साइटेड टू हेयर द माउस स्पीक, चूहा बोल रहा है ये देख के तो एकदम खुश हो गए, ऐसे एक्साइटेड हो गए कि ये वाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। दे वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद द माउस, उनको बोले कि हमें दोस्त बनना है इस चूहे का, राइट? तो देखते हैं बस कहानी में क्या हुआ, चूहे और बच्चे दोस्त बन रहे हैं। तो अब वो बात करेंगे और इस तरह से बात करेंगे जैसे पपेट सामने है ना, इनके साथ बात करेंगे। ओके तेजस, आई एम तेजस, आई एम 6 years old। तेजस बोलता है मैं तेजस हूँ, मैं 6 साल का हूँ। ज्योति, आई एम ज्योति, आई एम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू? ज्योति बोलती है मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, पहली क्लास में हूँ, मेरा नाम ज्योति है, आपका क्या नाम है? माई नेम इज ओमोज, आई एम वेरी ओल्ड। जो मोज बोलता है मेरा नाम मोज है, मैं बहुत बड़ा हूं, उसने अपनी एज नहीं बताई। लेकिन तेजस, कैन वी बी फ्रेंड्स? तेजस ने बोला हम दोस्त बन सकते हैं। मोज, यस, आई विल हेल्प यू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड यू टीच मी टू प्ले विद दिस बॉल। मोज ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा और आप मुझे ये बॉल से खेलना सिखाना। ज्योति, ओह दिस इज गोइंग टू बी फन,
कैन वी प्ले गेम्स यूजिंग कंप्यूटर्स? ज्योति बोली, हो ये तो बहुत मजेदार है, क्या हम कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं? बट इट वॉज टाइम टू गो होम बिफोर डिसअपियरिंग विद द बॉल. मोज सेड, आई विल टेल यू व्हेन वी मीट अगेन टुमॉरो. चिंचिनाकी. अब मोज का तो जाने का टाइम हो गया था, घर जाने का, पर वो बॉल के साथ गायब होने वाला था. उससे पहले उसने बोला कि अभी नहीं, कल हम दोबारा मिलेंगे, तब मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा. चिंचिनाकी बोल के वो गायब हो गया. अब कल मोज आएगा और ज्योति और तेजस को कंप्यूटर सिखाएगा, कंप्यूटर पर गेम्स भी खिलाएगा. क्या आपको भी कंप्यूटर सीखना है मोज से? मैं नहीं सिखाऊंगा, मोज से सीखना है. मोज कंप्यूटर बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छे से चलाना सिखाएगा और आपको गेम्स, मूवीज, वीडियोस, बहुत कुछ दिखाएगा. किस किस को सीखना है मोज से कंप्यूटर चलाना? ये अच्छा, लेकिन अगर आपको मोज से कंप्यूटर चलाना सीखना है तो आपको बॉल से खेलना भी सिखाना पड़ेगा मोज को. क्या आप सिखाओगे? यस, वेरी वेल, ग्रेट. तो ग्रेट, दैट वॉज अ गुड ओवरव्यू टीचर्स. नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो मैंने प्लॉट सेट किया. अभी मैंने एकदम स्टोरी शुरू नहीं करी, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले एक प्लॉट सेट कर दिया है. बच्चे एक्साइटेड है सीखने के लिए, बच्चों को मैंने पात्रों के साथ कनेक्ट कर दिया. मोज, तेजस, ज्योति को बच्चे जानते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके दोस्त हैं, उनके आसपास के कुछ बच्चे हैं. अब वो उनके साथ साथ तेजस और ज्योति के साथ मोज से कंप्यूटर सीखेंगे और उनको मजा भी आएगा, राइट? इसके साथ साथ अगर आपके दिमाग में और भी जो भी बातें आती हैं फनी, या फिर बच्चों के साथ रेपो बिल्डिंग करने के लिए, वो सब आप जरूर क्लास में करिए इम्प्लीमेंट. बिकॉज इसके बाद बच्चों का मन करेगा आपकी क्लास में आके सीखने का, बिकॉज उन्हें मजा आ रहा है इस क्लास में पढ़ने में. ऐसा नहीं हो रहा कि टीचर उनको पढ़ा रहा है, आपने ऐसा एक माहौल बना दिया कि मोज नाम का एक चूहा है जो उनको पढ़ा रहा है, और अब मोज उनको समझाता रहेगा आगे और साथ साथ उनको बहुत सारी मजेदार चीजें भी करवाएगा. तो इस तरह से अब हम जो नेक्स्ट डेमो शुरू करेंगे, अब मैं स्टोरी पढ़ाना शुरू करूंगा. स्टोरी में कुछ इसी तरह से चलेगा, ये सब पात्र आते रहेंगे, कहानी में बात करते रहेंगे और देखते हैं हम कैसे थोड़ा डिटेल में समझाते समझाते और मजे मजे में कंप्यूटर बच्चों को सिखाते हैं. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं. थैंक यू.